गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खजिला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर नोटबुक बुक एंड अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, न्यू चैप्टर कौन सा है, वैदिक मैथमेटिक्स। कौन सी मैथमेटिक्स? वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर 4 है। तो आपको क्या करना है, अपनी पेन नोटबुक में एक नया पेज देना है। जब भी आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, नया पेज देना है। तो आज जो मैं पहले बोर्ड पे करवाऊंगा वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप रफ नोटबुक का यूज करें, रफ में आप उतारे, ठीक है। और पेन नोटबुक में क्या करें, एक नए पेज दे, एक नया पेज दे और नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स, तो आपको फ्रेंड नोटबुक में क्या है, एक नया पेज देना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। वैदिक मैथमेटिक्स सबसे पहले हम सीखेंगे एकाधिकैल। एकाधिकैल होता क्या है, एकाधिकैल का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखो, एकाधिकैल पढ़ रहे हैं अपन, आपको लिखना नहीं है, किसी को लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तो वो आपको उतारना है, बाकी अभी ये केवल समझने के लिए है, तो मैं इरेज कर दूंगा ये, ठीक है। एकाधि कहना, ठीक है। एकाधि कहना का मतलब होता है एक अधिक, इसका मतलब क्या होता है, वन मोर यानी एक अधिक। एकाधि कहने का मतलब क्या होता है, वन मोर, एक अधिक, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, एकाधि कहने मीन्स टू फाइंड एकाधिक एन ऑफ अ नंबर, एड वन टू दैट नंबर एंड मार्क ऑन इट्स यूनिट डिजिट एज अ डॉट, ठीक है। एकाधिकैन का मतलब क्या होता है, एक अधिक, वन मोर, या बोल सकते हो प्लस वन करना, ठीक है। तो अब आपके पास में, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, डॉट, पुट डॉट ऑन द डिजिट, ठीक है। अब हमारे पास में है जैसे 3 है, आप बताओ इस 3 का एकाधिकैन अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, इस पे डॉट लगा दूंगा। ऊपर डॉट का आप मतलब क्या समझोगे, जब भी डिजिट के ऊपर अगर डॉट लगाए तो आप उसका मतलब क्या निकालोगे, एकाधिकैना। एकाधिकैना का मतलब एक अधिक, तो 3 पे डॉट लगा हुआ है, एक इसका एक अधिक क्या होगा, 3 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये होता है, और भी एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखते हुए चले, पर आपको राइट डाउन नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमारी एक टेबल है, चलो मैं आपको टेबल बना के बताता हूं। हम टेबल बना के करेंगे, ये हमारा नंबर होगा, यहां हमारा एकाधिकैन होगा, और ये वैल्यू, ठीक है। ये भी आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ये भी उतारना नहीं है, समझना है, बुक में ऑलरेडी ये है, ये टेबल ये है, बनी हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समझना है। 3 9
20, ठीक है। तो अब देखो मुझे 3 का एकाधिकरण करना है, तो मैं 3 के ऊपर क्या लगाऊंगा, डॉट, ठीक है। जैसे मैं 3 का एकाधिकरण करूंगा, 3 क्या बन जाएगा, 4। ऐसे ऐसे मैं 9 पे क्या रखूंगा, 9 पे भी एकाधिकरण रखा, एकाधिकरण का मतलब डॉट, एकाधिकरण का मतलब डॉट। तो 9 के बाद में 9 पे जब डॉट होगा तो उसका एकाधिकरण में उसकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। अब आपको 12 है, 12 में किसका एकाधिकरण कर रहे हो आप, 2 पे लगा रहे हो, तो 2 में प्लस होगा, ठीक है। तो 1 का तो 1 वापस लिखो, 2 में 1 प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, 3। वैसे वैसे 28 में आपको क्या करना है, 2 पे एट पे एकाधिकरण लगाना है, तो 8 में 1 प्लस हो जाएगा, 2 तो वापस आएगा, और डॉट किस पे है, 8 पे, तो ये 9, ठीक है। अब आपको आया समझ में, एकाधिकरण में हम क्या करते हैं, तो आपको टेबल समझ में आई होगी। हाँ, ये हमारे पास में एक और टेबल है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको क्या करना है, नंबर एका भी कहना वैल्यू अब हमें एकाधिकरण करना है, वो भी किसका, 4 का एकाधिकरण करोगे तो 4 पे आप क्या लगाओगे, मुझे 4 पे डॉट लगाया तो 4 क्या बन गया, 5, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको यहाँ 6 लिखना है, 6 के ऊपर है डॉट लगा दिया तो 6 क्या बन गया, 7। वैसे वैसे आपको 11 और 18, ठीक है। तो 11 पे आप डॉट लगाओगे यहाँ और 8 पे यहाँ डॉट, तो आप देखो 1 में प्लस होगा, जिसके ऊपर डॉट है उस पे प्लस होगा, तो 1 का 1, 1 में 1 प्लस हुआ 2, 1 का वापस 1, 8 में प्लस हुआ 9। अब आप ये टेबल क्या करो, अपने नोटबुक में इसको कॉपी करो आप, ठीक है।
चलो अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क में आपको करना है HW है आपका, इसमें आपको करना है इसका आपको क्या करना है, एकाधिकरण करना है। एकाधिकरण का मतलब 7 लिखा, 7 के ऊपर डॉट, ठीक है, यहाँ लगाना है आपको। एकाधिकरण किसका करना है, यूनिट डिजिट का, 7 का, 0 का, 1 का, 2 का। 2 के ऊपर डॉट लगाओगे तो 2 क्या बन जाएगा, 3। 1 के ऊपर डॉट लगाओगे 1 बन जाएगा 2, 0 बन जाएगा 1 और 7 बन जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपके लिए HW है। तो अब आपकी जो क्लास है आज फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।